ओ जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना, ओ जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना। जहां भी तू जाए तेरे पीछे आए तेरा आशिक पुराना, ओ जाना न जाना। आप इस शो में कैद रहने वाले हैं, तो एक्साइटमेंट लेवल कितना आप है? बहुत बहुत ही हाई है एक्साइटमेंट लेवल, बिकॉज जिस शो को इतने सालों से देखते आ रहा हूँ मैं, आज मैं उसी शो में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ. सो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है एंड नर्वसनेस भी है, मिक्स्ड फीलिंग्स है काफ़ी सारे. मैंने सुना था कि आप घर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके जा रहे हैं, इस बार म्यूजिकल बनाएंगे आप घर को, क्योंकि घर में काफी सारे टेंशन होता है और इस बार तो पूरे देश में ही टेंशन था जब ये शो चल रहा है। तो कैसे आप कुछ अच्छी अच्छी गाने, अच्छी इंस्ट्रूमेंट्स, जो अपना फन है आपका, आप एक बॉर्न चाइल्ड प्रोडिजी हैं जो बचपन से गा रहे हैं, तो हाउ यू गोना एड एंड मेक दिस शो रियली म्यूजिकल? एक्चुअली आई विल पुट इन माई रिक्वेस्ट फॉर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू टेक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन साइड द हाउस. वी हैव टू बी 24/7 इन्वेस्टेड इन टू द शो. एंड ऐसे तो मैंने, मतलब मैं सलमान सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे अगर ऐसा कोई मौका मिले फॉर अ म्यूजिकल इवनिंग और समथिंग जो लोगों को थोड़ा एंटरटेन कर पाए, तो मैं डेफिनेटली वैसा कुछ करना चाहूँगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एज फार एज मतलब जहाँ तक मुझे पता है, वी आर नॉट सपोज टू टेक एनी थिंग. आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन टू द हाउस, बिकॉज द शो डजेंट अलाउ इट. आई वुड लव टू डू दैट, बट देन अगेन मतलब वो शो, इट्स ऑल अबाउट बींग इन बिग बॉस 24/7. सो मुझे पता नहीं है कि अलाउड होगा कि नहीं, बट मैं सलमान सर से डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऐसा कुछ हो पाए तो फिर बहुत ही बढ़िया होगा. तो बिग बॉस में जब कोई जाता है तो ऑब्वियसली वहां पे इट्स लाइक प्लेइंग विद द फायर, आपको पता है कि वहां झगड़े होंगे, वहां तू तू मैं होगी, तो एक आदमी को एक तैयारी करनी पड़ती है। तो आपने किस तरह, मतलब प्रीवियस सीजन देखे, किस तरह तैयारी की, किस तरह लोगों से डील करेंगे? मैं बिग बॉस, मैंने सारे प्रीवियस सीजन्स देखे एक्चुअली. एंड मैं ये शो बहुत क्लोजली देखता हूँ, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई एम अ फैन ऑफ बिग बॉस. सो प्रेपरेशन की बात करें तो मेरा एक ही स्ट्रैटेजी है दिमाग में जो मैं अंदर लेके जाना चाहूँगा, एंड दैट इज शुरू से एंड तक मैं जैसा एक्चुअल में हूँ वैसा ही रहना चाहूँगा, चाहे सिचुएशन बदल जाए या दोस्ती जो फ्रेंड्स होते, काफ़ी बार ऐसा देखा है घर में कि जो फ्रेंड्स होते वही आपके पीठ पीछे पलट जाते हैं, या कोई टास्क ऐसा हो जाता है जिसमें दोस्ती टूट जाती है. तो कुछ भी अगर ऐसा सिचुएशन होगा घर में, आई वुड लाइक टू बी माई सेल्फ फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट आई कैन कीप, बिकॉज आई थिंक अगर मैं ओरिजिनल रहा तो लोग मुझसे और भी ज़्यादा कनेक्ट करेंगे. प्रीवियस सीजन्स की बात करूं तो जितने म्यूजिशियंस अब तक बिग बॉस में आए हैं, चाहे हाल में अनूप जलोटा हो, इस्माइल दरबार हो, ढेर सारे और लोग आके गए हैं, तो म्यूजिक म्यूजिशियंस आते रहे हैं और अपना अपना उन्होंने अलग एक अंदाज दिखाया हो, तो आपको क्या लगता है कि आप क्योंकि बॉर्न म्यूजिशियन हैं, आप तो बचपन से गा रहे हैं, आई डोंट नो पीपल नो दैट तारे जमीन का जो गाना बम बम बोले वो जान नहीं गाया था, तो तारे वहां पर जमीन पे ही आ जाते हैं बिग बॉस के घर में तो खुद का म्यूजिशियन अंदर कैसे जगा के रखेंगे इन सब के बीच में? मैंने कुछ ऐसे मतलब आई हैव सीन द फुटेज ऑफ द प्रीवियस जो सिंगर्स आए हैं बिग बॉस में, एंड मैं यही ये मेंटालिटी, ये एक चीज मैं अपने दिमाग में बार बार खुद को याद दिलाते रहूंगा जब मैं घर में रहूंगा. एंड दैट इज जब लोगों को सुकून चाहिए होता है, शांति, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, कामनेस, तब हम उनके काम आते हैं. बिकॉज जब सब सब ट्राई करने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिलती, तब वो म्यूजिक
में अपने आप को, यू नो, अपने आप को पीसफुल पाते हैं। तो मैं यही दिमाग में लेके चलूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ सिंगर, एंड जब इतने लोग मुझ पर निर्भर करते हैं, यू नो, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, तो व्हाई नॉट मी? मैं भी अपने ऊपर डिपेंड करके अगर अपने पीस ऑफ माइंड को कायम रखूं एंड अपने आप को, यू नो, काम रखूं, तो आई थिंक ये शो काफी इजी हो जाएगा मेरे लिए। आई थिंक आई विल बी एबल टू विन दिस प्रॉपरली, बिकॉज इफ सो मेनी पीपल आर, यू नो, डिपेंडेंट ऑन मी फॉर पीस, देन आई एम ऑल्सो, यू नो, आई थिंक आई शुड कीप माई सेल्फ ऑल्सो इन दैट वे, यू नो, आई कैन ऑल्सो डिपेंड अपॉन माई सेल्फ फॉर पीस। एंड बींग अ सिंगर, मुझे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना इंस्ट्रूमेंट यहाँ लेकर घूमता हूँ अपने साथ। तो एग्जैक्टली, तो जब भी कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ऐसा कुछ लगे मुझे कि, यू नो, कुछ बातें हद पार कर रही है या, यू नो, समथिंग दैट्स नॉट इन माई कंट्रोल, तो या तो मैं उससे हट जाऊँ, और या तो मैं अपने आप में खुद को, यू नो, खुद के अंदर घुल मिल जाऊँ और खुद के म्यूजिक में, यू नो, आई यूज माई म्यूजिक टू कीप माई सेल्फ काम। तो आपके पिताजी कुमार सानू के गाने आज तक, मतलब चाहे आंख मारे हो, मतलब आज तक लोग सुन रहे हैं, वो 90s में उन्होंने रूल किया, मैं तो कहूंगा आज भी रूल कर रहे हैं, कि सबसे ज्यादा उन्हीं के गाने सुने जाते हैं। एक लेजेंड है, तो एक एक जिम्मेदारी, एक उनका नाम आप लेकर जा रहे हैं, तो एक आपको एक लग रहा है कि मतलब सबके सामने होगा, देश के सामने ही होगा, तो ये एक थोड़ा सा टेंशन भी है कि ये जिम्मेदारी है, कुमार सानू का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, the way I've been raised, my parents are very proud and confident about me. उनको मुझ भरोसा है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं जिससे, यू नो, फैमिली का नाम या मेरे परवरिश पे सवाल उठाए जाए, या ऐसा कुछ बोला जाए जिससे, यू नो, मेरे फैमिली का नाम खराब होगा, बिकॉज मेरी मॉम ने वैसी सीख दी है हमें, एंड माय डैड इज प्राउड ऑफ दैट, द वे माय मॉम इज रेज्ड अस। मेरे पापा बहुत प्राउड है, एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ माय मॉम, कि माय मॉम हैज रेज्ड अस लाइक, यू नो, टू बी थ्री सॉलिड किड्स। तो उसको लेके मेरे, मतलब मुझे टेंशन नहीं है, मुझे यही है कि मैं अपने आप को जहाँ तक जानता हूँ, मैं ऐसा कभी कोई काम करने वाला हूँ नहीं उस घर के अंदर जिससे मेरे मॉम डैड पे सवाल उठाया जाए, और ये मुझे भरोसा भी है, एंड ये मेरे मॉम और डैड को भी मुझ पर भरोसा है। सो ये बात मैं अपने दिमाग में रख कर ही नहीं जा रहा हूँ कि, यू नो, ऐसा कुछ करूँ जिससे मेरे मॉम डैड का खराब, लाइक, यू नो, नाम खराब होगा, बिकॉज इतना मुझे भरोसा है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं जिससे, यू नो, ऐसा कुछ मेरे फैमिली के बारे में डिस्कशन हो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस इंटरव्यू, एंड मैं सारे व्यूअर्स, सारे फैंस एंड सारे जितने भी लोग आज ये देखेंगे, उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुझे आपके वोट्स दीजिए और प्यार दीजिए, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए, बिकॉज मैं अपना करियर शुरू करने जा रहा हूँ विद बिग बॉस, एंड मेरा जो आगे का सफ़र है उसमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे।